हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री जी अकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीटी यूपी इवन सेमेस्टर रिजल्ट 2022 का रिजल्ट कब आएगा, आखिर कब आएगा, इतनी लेट क्यों हो रहा है, बहुत लेट हो गया। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके जो एग्ज़ाम थे वो 5 जुलाई को ख़त्म हो गए थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से जो 6 जुलाई को पेपर था वो आपका 18 जुलाई को पोस्टपोन्ड हो गया था। तो आपका इसमें 10-12 दिन का अंतर आ गया था, जिसकी वजह से आपका जो रिज़ल्ट है वो लेट हो रहा है, इसलिए आपका रिज़ल्ट बहुत लेट हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका रिज़ल्ट कब आएगा, आखिरकार डेट आ ही गई कि आपका रिज़ल्ट कब आएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आप सभी स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट कब आएगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका रिज़ल्ट जो है वो कब आएगा और सेमेस्टर की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, कब होगा, कैसे होगा, तो हम आपको यही बताएंगे। तो चलिए बिना समय ख़राब करते हुए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो आप सभी का रिज़ल्ट इतना लेट क्यों हो रहा है, आखिर क्या वजह है कि आपका रिज़ल्ट इतना लेट हो रहा है? तो आपका जो और सेमेस्टर की क्लासेस हैं वो तो स्टार्ट हो गई हैं, लगभग सारे कॉलेजेस में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और सारे टीचर्स भी आ रहे हैं, पढ़ाई करवा रहे हैं, बच्चे भी आपके सब पढ़ रहे हैं, सब क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन रिज़ल्ट का वेट हो रहा है कि रिज़ल्ट कब आएगा। आखिर यही मज़ा होता है कि रिज़ल्ट आने के बाद ही पढ़ाई में इंटरेस्ट आता है और पढ़ाई में मज़ा आता है। तो रिज़ल्ट कब आएगा सभी यही वेट कर रहे हैं, तो हम आपको बताने हैं। तो जैसा कि ये है, जावेद मुस्तफ़ा जी ने बताया है कि ये जो हैं BTUP के जितनी भी अपडेट हैं सारी अपडेट देते रहते हैं, तो इन्होंने अपडेट दिया है कि डाटा का ये मतलब कि रिज़ल्ट अभी कितना तैयार और कितना बाकी है। यदि अंतिम वर्ष का रिज़ल्ट पूरा हो चुका है तो उसे 2 सितंबर से पहले जारी करने का प्रयास बोर्ड द्वारा किया जा सकता है। मतलब इसमें ये बताया है कि 2 सितंबर से पहले जारी करने का प्रयास हो सकता है। तो आज की तो इसमें आपको यही कंफर्म बताया गया है कि 2 सितंबर से पहले आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि BTUP कभी भी अपना टाइम नहीं देती है और पहले तो बताती नहीं है, आपका रिज़ल्ट अचानक नहीं आता है। जैसा कि आपको पता होगा कि और सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट था जो अभी कुछ महीनों पहले आया था वो अचानक में ही आ गया था। सब लोग अपने घर में थे उस टाइम, तो छुट्टी चल रही थी तो सब लोग थे, तो कब पता चला कि अचानक में रिज़ल्ट आ गया। तो BTUP पहले से तो कभी डेट देता ही नहीं है, तो अचानक में ही आता है। तो आप सभी इस चीज़ का वेट ना करें कि कब रिज़ल्ट आएगा, कब रिज़ल्ट आएगा, जब आना होगा रिज़ल्ट तब आ जाएगा और आप सभी का रिज़ल्ट अच्छे से जाएगा। तो आप सभी लोग इसका वेट ना करें, अपना जो और सेमेस्टर की तैयारी है वो स्टार्ट कीजिए और सभी लोग अपने अपने कॉलेज में जाइए और अपने और सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट करिए और अच्छे से पढ़िए और अपने पेपर का बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि रिज़ल्ट आपका जो पेपर होंगे वो उसके लिए आपको बहुत कम टाइम मिलेगा। तो अभी से आप अपनी तैयारी कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।